एक शहर में प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते। 10 से 20 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, किंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, विसल लगी, तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो ये लिफाफा खोल कर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई न कोई था। अब बालक को अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन में ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वो भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुआसा हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही हूँ, इस गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सारा डर काफूर हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते हो। सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखे। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी पूरी यात्रा के दौरान, अंतिम सांस तक। बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास करते रहना है। सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दे, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके। लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर अगला काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो की जरूरत है बहुत सारे लोगों को जो इस टाइम परेशान है, चिंता में है, जिन्हें लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन अब आपको पता है कि ऐसा नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें स्मरण करना है क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ आगे हमेशा ऐसी कहानी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना जरूरी है, जो है हमारे पेज को फॉलो करें। तो बस अगर आपने फॉलो कर लिया